नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने बीते कुछ सालों से भले ही कम फिल्मों में काम किया हो, लेकिन बतौर एक्ट्रेस उन्होंने हर बार दर्शकों का दिल जीता है। वहीं अब मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे का ट्रेलर रिलीज हो गया, तो चलिए जानते हैं इस ट्रेलर के बारे में। चलो भाई, देखो अपने क्या कर। दोस्तों, इस ट्रेलर को देखने के बाद रानी मुखर्जी की एक और दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे का ट्रेलर वाकई कमाल का है और एक माँ की अपने बच्चों के लिए पूरे देश के खिलाफ कानूनी लड़ाई को बखूबी दिखाता है। दोस्तों, इस ट्रेलर की शुरुआत में आप मिसेस चटर्जी के बारे में बताता है कि कैसे वो कोलकाता को छोड़कर नार्वे में आकर बस गई है। उसकी पति जॉब करता है और मिसेस चटर्जी की दो छोटे बच्चे हैं। मिसेस चटर्जी की दुनिया उस वक्त पूरी बदल जाती है जब कानून का हवाला देते हुए उनकी दोनों बच्चों को उससे छीन लिया जाता है और उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है कि वो अच्छी माँ नहीं है। इसके बाद शुरू होती है मिसेस चटर्जी के अपने बच्चों को वापस पाने के लिए देश के खिलाफ कानूनी लड़ाई। दोस्तों, ट्रेलर में कई ऐसे सीन है जिसे देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रानी मुखर्जी के बंगाली माँ के किरदार में आपका दिल छू लेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड की मर्दानी कहलाने वाली रानी मुखर्जी अब दिल छू लेने वाली एक और फिल्म लेकर आ रही है। दोस्तों, इस ट्रेलर के अंत में रानी मुखर्जी एक दमदार डायलॉग बोलती है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ या बुरी माँ पता नहीं, लेकिन साहब मैं एक माँ हूँ। दोस्तों, बता दें कि ये फिल्म रानी मुखर्जी के जन्मदिन पर यानी 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, इस ट्रेलर को देखने के बाद आप फिल्म देखने के लिए कितना एक्साइटेड है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तब तक के लिए राधे राधे।